और यहाँ जो राष्ट्र भक्तों का ये हुजूम आज जो यहाँ हाथ में तिरंगा लिए दिख रहा है, यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की जो राष्ट्र भक्ति है वो कितनी मजबूत है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं पुनः। अब हम अपने बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आग्रह करना चाहते हैं, एक बार फिर से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा मंच से भी तिरंगा झंडा लेकर जिस प्रकार से इस हुजूम का अभिनंदन आपके द्वारा आज हो रहा है राष्ट्र, और आप लोग भी जितने लोग इस सभागार में, जरा आप अपने भी हाथ से फहराइए तिरंगा झंडा, माननीय गृह मंत्री जी को यह आश्वस्त करिए कि मां भारती आप पर ऐसे ही गौरव नहीं करती। पावड़े बिछाकर बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है। माताओं भाइयों बहनों, मैं 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं, 58 साल हो गए, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में रैलियों में गया हूं, मगर आज ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहां दिख रहा है वो देखकर मैं साच अर्थ में निशब्द हूं। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। लाखों लाखों लोग कोई कारण के बगैर चिलचिलाती धूप में नंगे सर तिरंगा लेकर बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लाखों लोग चिलचिलाती धूप में आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। माताओं भाइयों बहनों, हमारा जो एक क्षेत्र है ये विश्वामित्र की जन्मभूमि माना जाता है। ताड़का वध यहीं पर प्रभु श्री राम ने किया था, यहीं से मिथिला जाने की प्रेरणा मिली थी। यही भूमि है जो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जन्मभूमि रही। यही भूमि है शिव पूजन सहाय, महान कवि शैलेंद्र, बिंदेश्वरी दुबे और सहकारिता के पुरेदा तपेश्वर सिंह की भूमि रही है। इस भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत कराना चाहता हूं। मित्रों, जय प्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र बाबू, भगवान बुद्ध और महावीर की ये भूमि बिहार रही है। मित्रों, आज जब हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब मोदी जी ने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे। एक तो आजादी के वो दीवाने जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनकी स्मृति, उनकी कृति आज की युवा पीढ़ी के मन में गौरव के साथ सालों सालों तक यशोगान करती रहे, इस प्रकार से इसको जीवंत करना। दूसरा, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75 साल में देश ने जो कुछ भी प्राप्त किया है इसको चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न करना और एक संकल्प ऐसा लेना जिससे जब आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब मेरा और आपका ये महान भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सर्वोच्च स्थान पर बैठा हो। मित्रों, सर्वोच्च स्थान पर मोदी जी ने कल्पना करी 2047 में पूरी दुनिया के सभी देशों की स्पर्धा में हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि वीर कुंवर सिंह जी को हो सकती है।
इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।